आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है, बट फिर भी बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होते हैं, तो हमने इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट वन। तो इसमें अगर हम लोग बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमने करंट के बारे में अगर हम लोग को स्टडी करने से पहले हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना पड़ेगा, राइट, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आज हम लोग अपना लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी इवन कांट इमेजिन, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते सुबह से लेकर शाम तक। चलो एक टाइम पे हमने सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम हमने विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम रह लिए, बट आज के टाइम पे ऐसा है कि हम रात को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम खाना भी नहीं खा सकते। इतने हम लोग को बोलते ना इलेक्ट्रिसिटी पर हम लोग का पूरा लाइफ डिपेंड हो चुका है, और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते अपने लाइफ को। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे ये चीज समझना है कि करंट फ्लो कैसे होता है, जो इलेक्ट्रॉन से वो किस तरह से हेल्प करते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। एक बहुत मिक्सअप आपके पास आइडिया है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में जो क्वेश्चन रहेगा कि एक पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपका टॉपिक का फर्स्ट, जो आपका चैप्टर है उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस क्लियर सम कॉन्सेप्ट्स। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, ये एक है, ठीक है, बीकर ए एंड दिस इज बीकर बी। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो बीकर ए में क्या है, आपका जो वाटर है, अगर मैंने इसको क्या क्या कनेक्ट कर दिया, अगर मैंने इसको क्या क्या कनेक्ट कर दिया यहां से, तो बीकर ए से क्या होगा, पानी बीकर बी में जाएगा। तो ये बीकर ए से बीकर बी में पानी क्यों जा रहा है, बिकॉज इनके बीच में एक डिफरेंस है, इनके बीच में एक डिफरेंस है, ये ऊपर है ये नीचे। तो सीधी बात है, पानी कब तक फ्लो होगा, अंटिल एंड अनलेस इट विल रीच अ इक्विलिब्रियम। तो बीकर ए इज प्लेस्ड एट अ हायर पोटेंशियल एंड बीकर बी इज प्लेस्ड एट अ लोअर पोटेंशियल। ये चीज क्लियर है आपको। इसकी अगर बात करूं तो अभी अगर मैं यहां पे देखूं कि पोटेंशियल डिफरेंस ये बेसिकली है क्या, तो उसी तरह से जिस तरह से मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दिया कि ए और बी इनके बीच में एक डिफरेंस है जिसके वजह से पानी ऊपर से नीचे जा सकता है, विदाउट ए डिफरेंस पानी जा सकता था क्या, नहीं उतना नहीं, अगर कनेक्शन नीचे भी रखते तो भी, बट एक डिफरेंस हमने सेटअप किया। तो उसी तरह से हमारा एक ड्राई सेल होता है, जो बैटरी देखते हैं टीवी रिमोट में, सब ऐसा डिफरेंट बैटरी होता है, तो उसमें एक होता है हायर पोटेंशियल, एक होता है लोअर पोटेंशियल। तो हमेशा अगर मैं बात करूं, कभी भी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपका जो करंट होता है ना, करंट का जो भी आपका फ्लो रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह रहता है। कैसे रहता है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ ऐसे। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे, ये होता कैसे, तो इतना आई थिंक आपको क्लियर रहेगा। अगर मैं बात करूं यहां पे कि द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई भी एक सेल की अगर बात करें, उसके बीच में एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो डिसाइड करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है कितना। सिंपल सी बात है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था वो डिसाइड करेगा कि इनका एक्चुअल लेवल का फ्लो कितना रहेगा, कितना तेजी से पानी फ्लो होगा। उसी हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। एंड याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस के बिना क्या करंट फ्लो हो सकता है, क्या नहीं फ्लो हो सकता है, सीधी बात है। यहां पे विदाउट ये डिफरेंस फ्लो हो सकता था पानी, पानी फ्लो हो सकता था क्या, नहीं। तो उसी तरह से यहां पे भी क्या होगा, आपको सेल के अंदर अगर आपको करंट को फ्लो करना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाना है, एक प्रॉपर मोशन, एक अलाइन्ड मोशन में, यू हैव टू सेट अप द पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे, अगर सबसे पहले देखते हैं कि एक नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है, वो जाने से पहले देखते हैं कंडक्टर क्या है। अभी ये कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है, कोई भी चीज जिसमें से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, राइट। जैसे आपका मेटल्स हो गए, ये गुड कंडक्टर हो गए, तो कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्रॉपरली हो, राइट, इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो हो पाए, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। और जिसमें से फ्लो नहीं हो पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर, या फिर उनको बोलते हैं इंसुलेटर। और जिसमें से आपका होता भी है और नहीं भी होता है, जो बीच में आता है, जिसके बारे में आपको डिटेल में नहीं स्टडी करनी है, बट आपको जान के रखना जरूरी है, सेमी कंडक्टर्स। तो तीन चीजें होती है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर मतलब वो जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, इंसुलेटर मतलब क्या, बैड कंडक्टर, जैसे वुड, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। और फिर आपका सेमी कंडक्टर मतलब क्या, जैसे आपका आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है जो आपके सेमी कंडक्टर से, नाम सा बढ़ता है, सेमी मतलब हाफ। तो अब क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये कॉज कैसे होता है,
the potential difference is caused due to the chemical reactions occurring inside the cell. जो सेल के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन ऑकर होता है उसकी वजह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से क्या होते हैं, आपके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई भी कंडक्टर का एग्जांपल लेंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या आते हैं, मोशन में आते हैं. सो द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ये कॉज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होता है, ठीक है, and that results in the flow of electricity. And इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो में आता है. तो जब एक कंडक्टर के बारे में हम बात करते हैं, तो कंडक्टर में अभी हमको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है. हमने ये देख लिया कि गुड कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो सके. तो यहां से अगर हम लोग बात करें, समझो इफ यू टेक इन टू कंसिडरेशन, ये कोई कंडक्टर है, राइट, ये है, समझो ये वाला मार्कर में इमेजिन करो ये कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो रहेगा ना वो रैंडम रहेगा, क्योंकि उसको किसने अलाइन नहीं किया है. और याद रखना इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है, तो उसका मोशन में रहेगा, बट ये मोशन कैसे रहेगा, फॉर एग्जांपल ये इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा, ये इधर, ये उधर, समझ रहे, सब अपने अपने जगह पे घूम रहे. तो इसके वजह से क्या होता है, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपका जो नेट करंट रहेगा, नेट करंट क्या रहेगा आपका, जीरो. अब बोलोगे सर नेट करंट जीरो कैसे रहेगा, क्योंकि यहां पे सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. हम इसके बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी कितना है, 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज उतना है, सब इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना है, और हर एक इलेक्ट्रॉन उतनी ही वेलोसिटी में अगर घूम रहा है, बट उनका डायरेक्शन हर जगह पे क्या ऑपोजिट है, तो टोटल करंट जो प्रोड्यूस क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज ये लोग अलाइन नहीं है, सब अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो इसके लिए जो नेट करंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा. तो इसको अब इस नेट करंट को जीरो नहीं करना है, अपने को इस करंट को एक प्रॉपर वैल्यू देना है. तो हम क्या करते हैं, इनको अलाइन करते हैं, हम इनको क्या करते हैं, अलाइन करते हैं. ध्यान से देखना, हम बहुत ही धीरे धीरे जा रहे हैं. अलाइन कैसे करेंगे, हम लोग एक सेल लगा देंगे. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस टू द टू एंड्स ऑफ द वायर. अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मोशन ऐसा था, अब इनका मोशन कैसा हो गया, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो गया. इनका मोशन कैसे हो गया, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो गया. अभी ये यहां वहां नहीं जाएंगे, बट ये समझने से पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया था कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, क्या, आपका फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो आपका यहां पे आप देखोगे, ये आपका बैटरी है, राइट, ये बैटरी में आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, राइट. जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव होगा और जो छोटा होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने सीधी बात किया कि आपको हायर से लोअर करना है, तो आपका बैटरी में एक पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा. तो करंट का जो फ्लो रहेगा, करंट का जो फ्लो रहेगा वो कैसा रहेगा, करंट का फ्लो मैं ब्लू में लिखता हूं, करंट का फ्लो कैसा रहेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर. फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. बट यहां पे बहुत ध्यान से समझना प्लीज बच्चों, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा. ये अब बोलोगे सर करंट तो यहां से यहां पे हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही होगा, नहीं. सोचो ना जरा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव है. अगर ये ऐसे डायरेक्शन में अगर ये फ्लो होगा तो ये किधर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव. आसान भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं, आपको समझ भी गया रहेगा मुझे पता है, बट देन टू कि साउथ और साउथ रिपेल करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, तो अट्रैक्ट कौन करेगा, नॉर्थ और साउथ और साउथ और नॉर्थ. तो उसी तरह से आपका अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली सर आपका इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, पॉजिटिव की तरफ. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कैसे रहेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कैसे रहेगा, राइट, कि आपका यहां से लेके यहां पे पॉजिटिव की तरफ आएगा. और जबकि आपका फ्लो ऑफ करंट कैसे रहेगा, फ्लो ऑफ करंट कैसे रहेगा, इस तरह से रहेगा. तो फ्लो ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आपका, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ऐसे याद रखो, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, और इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव. इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो नेगेटिव तरफ नहीं जाने वाला है, वो पॉजिटिव तरफ जाने वाला है. और आपका करंट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, बिकॉज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हमेशा याद रखना. तो ये क्यों हो पाया, ये इसलिए हो पाया बिकॉज हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और हमने मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मोशन में आ गए, एक प्रॉपर अलाइंड मोशन में आ गए.
तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपको आइडिया क्या पोटेंशियल डिफरेंस इज, अभी मुझे उसको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क अपॉन टोटल चार्ज, आप कितना काम कर रहे हो कितने चार्ज को अलाइन करने के लिए, तो वर्क को हम किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, W, चार्ज को Q से करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट करेंगे, क्योंकि SI सिस्टम क्या होता है, वोल्ट होता है, यू कैन सी द SI सिस्टम इज वोल्ट, ये हो गया वोल्ट के बारे में। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो 1 वोल्ट कितना होता है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 जूल क्या है, 1 जूल क्या है, आपको वर्क आप किस में मेजर करते हो, जूल में, और आप चार्ज किस में मेजर करते हो, कूलम में, तो 1 वोल्ट इज 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ये हो गया आपका किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। यही चीज को अगर मुझे करंट को रिप्रेजेंट करना है, करंट को, तो करंट क्या है, करंट इज इक्वल टू, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते, करंट क्या होता है, कितना चार्ज आपका फ्लो रहा है कितने टाइम में, मतलब अगर मैं एक समझो एक वायर लेता हूं, कोई भी एक वायर लेता हूं, उसका क्रॉस सेक्शन है, अभी ये वायर हो गया, उसका इतना क्रॉस सेक्शन देखता हूं, राइट, तो उसमें अगर मैं देखूंगा ये एरिया है, राइट, इतना इसका पर्टिकुलर एरिया है, तो इस एरिया में, इस एरिया में कितने चार्ज, इस एरिया में कितने चार्ज फ्लो हो रहे कितने टाइम में, मतलब एक सेकेंड में कितने यहां पे आप उसके चार्ज फ्लो हो रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आई को हम रिप्रेजेंट किसमें करते हैं, एम्पेयर में करते, चार्ज को हम किसमें करते, चार्ज को हम करते कूलम में, राइट, सॉरी चार्ज को हम किसमें करते, कूलम में, तो कितना कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है कितने सेकेंड में, वो बताएगा आपका कितना एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू अ 1 सेकेंड टाइम, उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर, और ये एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का, जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है आपका, वोल्ट, तो बेसिकली ये आपका पूरा पार्ट था। सो इस तरह से हमने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते, वर्क अपॉन टोटल चार्ज, ओके, आप कितना काम कर रहे हो कितने चार्ज को आप अलाइन करने के लिए, आप मोशन में लाने के लिए, तो W अपॉन Q, तो वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, मैंने बताया जूल में, और हम लोग चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम में, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, वोल्ट, तो 1 वोल्ट कितना होता है, जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम चार्ज, ये हो गया अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट मैंने बताया कि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज क्या है सर, क्यू है, क्यू को हम मेजर किस में करते हैं, हम करते हैं कूलम में, और टाइम को मेजर किस में करेंगे, सेकंड्स में, और आपका करंट जो होता है उसको आई में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम लोग इसका उसका जो यूनिट है उसको बोलते हैं एम्पियर, यूनिट फास्ट होता है बिकॉज ये रिविजन है। मेन पॉइंट आपको जो याद रखना है कि जो फ्लो ऑफ करंट हमेशा कैसा होता है, फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, व्हाई, बिकॉज नेगेटिव से नेगेटिव रिपल करेंगे, इसलिए ये इस तरफ आएगा और करंट उस तरफ जाएगा, राइट, चार्ज इतना 1.6 × 10⁻¹⁹ है, और देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁶ मीटर पर सेकंड के हिसाब से। सो ये हो गया द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल, बहुत जरूरी है, इसके वजह से क्या होता है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट्स अलाइंड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन एंड थस कॉजिंग द फ्लो ऑफ द करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है। सो होप आपको पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड आपको उसका पूरा सिस्टम आपको समझा। नेक्स्ट पार्ट में हम ओम्स लॉ देखने वाले। थैंक यू गाइस, डू हिट लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक यू।